Now come to the point, hexadecimal number system. What are the hexadecimal number system? This is a part of number system. This is the last one. I told you decimal number system, binary number system, octal number system, and last one is hexadecimal number system. But conversion are still remain. First of all, you know what are the hexadecimal number system. See, the combination of 0 to 9 digits, 0 to 9 digits and 6 alphabets A to F, means A, B, C, D, E and F. That means वो number जो combination होता है 0 to 9 का, और जिसमें इनमें से कोई सा भी या सारे ही आपके क्या हो सकते हैं, alphabets use हो सकते हैं. For example, if I take 9AF, that means this is the hexadecimal number system. If I took ABC, this is also the hexadecimal number system. And the base of hexadecimal number is 16. Base of hexadecimal number is 16. Why the 16? As you know very well, 0 to 9. Total digits are 10 and A to F total alphabets are 6, and if we add then total is 16, therefore the base is 16. Clear? So this is the hexadecimal number system. Hexadecimal number system hota hai ye. Ab baat karte hain iske conversion ki. Dekhiye, maine jo bhi aapko conversion karaya hai, in my first video I convert binary into decimal. ठीक, प्रीवियस वीडियो में जिसने मेरी वीडियो प्रीवियस नहीं देखी हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वाली वीडियो देख सकते हैं. पहली वीडियो मेरी बाइनरी इंटू डेसिमल कन्वर्जन था. फिर आज का जो टॉपिक था मेरा, आज जिस पे मैं करा रही हूँ, उसमें मैंने आपको कन्वर्जन करवाया है इसका रिवर्स, डेसिमल इंटू बाइनरी. अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी जल्दी लिखती हूँ तो रफली है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा. और डेसिमल इनटू बाइनरी के बाद मैंने आपको कन्वर्जन करा दिया है बाइनरी इनटू ऑक्टल. देखो, बाइनरी के हमारे तीन कन्वर्जन है, बाइनरी इनटू डेसिमल, बाइनरी इनटू ऑक्टल एंड बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल. मैं आपको दो करा चुकी हूँ, बाइनरी टू डेसिमल करा दिया है, बाइनरी टू ऑक्टल करा दिया है. अब मैं आपको कराती हूँ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. देखिए जरा, अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल समझ में आ गया तो सेम वे ये भी आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझ आ जाएगा. देखिए इसका कैसे करना है, हमें कंफ्यूज मत होइएगा. अगर किसी को कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालकर मुझसे पूछ सकता है, आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा. कन्वर्ट बाइनरी इंटू कन्वर्जन, मैंने कहा था ना कन्वर्जन इतने होते हैं कि हम खुद कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा कन्वर्जन करें. मैंने जब आपको कन्वर्जन कराया था वो मैंने ऑक्टल टू बाइनरी कराया था, अब मैं आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करा रही हूँ. हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ठीक, अब एग्जांपल सपोज मैंने ले लिया 9AC और इसका बेस हो गया 16. 9AC इसका बेस हो गया 16. अब देखो, मैंने जैसे ऑक्टल में बताया था आपके पास 16 बेस है, ये 16 बेस को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 4. तो ये जो 4 है, दैट मीन्स हम इसमें कितनी बिट यूज करेंगे, 4 बिट यूज करेंगे.
ऑक्टल में हमने 3 बिट यूज करी थी, हम हेक्साडेसिमल में 4 बिट यूज करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तीनों को सेपरेट कीजिए, 9AC. ओके, इससे ए और सी को बताने से पहले मैं आपको, आप ये सोचोगे कि मैम ने ए और सी तो बता दिया है, लेकिन ए और सी की वैल्यू क्या है ये तो बताए नहीं. दैट्स माय मिस्टेक. पहले मैं आपको टेबल के थ्रू बता देती हूँ हेक्साडेसिमल की टेबल. देखो मैं जानती हूँ मैंने बीच में ये टॉपिक रोक दिया है, लेकिन हेक्साडेसिमल टेबल पता होना बहुत जरूरी है. जब मैंने कहा था 0 to 9 तो हम डिजिट्स के लिए करते हैं, ठीक, वो तो कॉम्बिनेशन होता है. सपोज ये आपके बाइनरी नंबर्स हैं और ये आपकी, ये टेबल भी आपको साथ के साथ सीख लो वरना फिर दोबारा बतानी पड़ेगी. ये आपकी डिजिट्स हैं, ठीक, जो लिमिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक. 0 से 9 तक तो नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में, और जैसे ही 10 हो जाता है 10 को हम लिखते हैं A, ठीक है. 11 को लिखते हैं B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F. ये होता है मींस. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा, ठीक है. ई एंड एफ, होप सो आपको दिख रहा हो. 15 फॉर एफ मीन्स 0 to 9 तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा 10 आता है 10 के लिए हम ए यूज करते हैं, 11 के लिए बी यूज करते हैं, 12 के लिए सी एंड सो ऑन. एफ तक आपके, एफ तक ही होता है बस, एफ तक आपका 15 हो जाएगा. अब इसका बाइनरी कोड की अगर हम बात करें, मैंने अभी ऑक्टल में आपको बताया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है. अब इसका कोड अगर आप सॉल्व करोगे याद हो जाएगा आपका 8, 4, 2, 1, ठीक है. टेबल भी चलो साथ के साथ बता ही देती हूँ. अगर देखो यहाँ तक तो अगर मैं आपसे कहूँ 2 का बाइनरी नंबर बताइए, तो जिसके नीचे 2 है सिर्फ उसके नीचे बना जाएगा, बाकी के नीचे 0. अगर आप कह रहे हो 5 का बताओ, यहाँ ऊपर 5 नहीं है तो 5 कैसा आएगा, 4 और 1, 5, तो बाकी के नीचे 0, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, ठीक है. एक बात और, ये जो कोड्स होते हैं ये यूनिक होते हैं. अगर एक कोड एक नंबर को अलॉट हो गया वो दूसरे नंबर को अलॉट नहीं होगा, ठीक है. तो ये आपके कोड सेम होते हैं, मीन्स यूनिक होते हैं, ठीक है. अगर मैं बात करूं 7 की, 7 देखिए 4, 2, 1 और बाकी के नीचे 0, तो ये हो गया 3 बिट के लिए. देखो 0 आएगी 3 बिट तक. जैसे ही हेक्साडेसिमल होता है वो 7 से ऊपर हो जाता है, ठीक है, नीचे 15 तक जाता है. अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे को 13 का कोड बताओ, तो 13 देखो कैसा आएगा, 8 और 4, 12, 12 और 1, 13, तो इसका कोड क्या आ गया, 1101, ठीक है. जितना अगर आपको नंबर बढ़ते चले जाना उतनी ही पावर बढ़ती चली जाएगी. जितनी मैं बात करूं कोड की, कोड जितने आप आगे बढ़ते चले जाओगे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. टोटल देखो 8 और 4, 12 और 2, 14 और 1, 15, टोटल ऐड करने पर 15 आ रहा है. इसका मतलब ये आपके 15 तक के बाइनरी नंबर देंगे बस. अगर आप इससे आगे जाते हैं तो ये 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4, इनको ऐड करोगे तो वो आएगा 31, मीन्स 31 तक के बाइनरी नंबर देगा. लेकिन आप देखो इससे ज्यादा टेबल में करना बेकार है, क्योंकि फिर हमें उतना ही टोटल करना होता है. तो बेटर है आप जैसे मैंने प्लेस वैल्यू में कल की वीडियो में बताया था, ठीक है, उस तरीके से बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं. अब आते हैं अपने कन्वर्जन पे. कन्वर्जन पे आते हैं. मैंने क्वेश्चन लिया था आपका 9AC और इसका बेस था 16, तो पहले तो इनको अलग अलग लिख लीजिए. मैंने आपको बताया था 9 एज इट इज रहेगा. A के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं वो होती है 10, और C के लिए देखो B के लिए 11, तो C के लिए क्या आएगी 12, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 12. अब आप इसको इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में. 8421 कोड से इजीली आप कर सकते हो. मेरे को 9 का कोड चाहिए,
नाइन कैसा आएगा, एट और वन नाइन, ऐसे एट के नीचे वन, वन के नीचे वन, तो वन डबल जीरो वन। अगर मैं टेन की बात करूं कैसा आएगा, एट और टू टेन, ठीक है, तो इसका आंसर वन जीरो वन जीरो। अगर मैं ट्वेल्व की बात करूं, एट और फोर ट्वेल्व, बाकी के नीचे जीरो, तो वन वन जीरो। बस यही हमारा आंसर है और इसका बेस हो जाएगा टू। बस मेरी बात, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं। सपोज मैं आंसर ही ले लेती हूँ एट सी एफ, बेस हो गया 16। सेम उसी की तरह सोल्व करिए, एट एज इट इज रहेगा, सी के लिए कोड बताया था 12 और एफ के लिए सिंपल 15। इसको सोल्व करो, एट के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा, एट वन जीरो जीरो, तो मीन्स वन जीरो जीरो जीरो। ट्वेल्व की बात करो, एट और फोर ट्वेल्व, मीन्स वन वन डबल जीरो। अगर मैं 15 की बात करूँ, सबको नंबर में वन 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 कर दो, मतलब सबके नीचे वन, तो वो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, तो वन 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 वन, और इसका बेस कितना हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप अगर करना चाहते हैं तो। ए नाइन सी नाइन डी ई सेवन एट सी ए बी फोर नाइन जीरो डी। ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि देखो हमारे कौन कौन से कन्वर्जन हैं, कौन से हो चुके हैं और कौन से हमें करने हैं, ठीक। देखिए नोटेड डाउन हो गया होगा, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। आपका सबसे पहला कन्वर्जन था बाइनरी टू डेसिमल, ठीक। फिर इसका रिवर्स था डेसिमल टू बाइनरी, ठीक। फिर हमारा आता है ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और अभी हमें पढ़ना है डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये आपके कन्वर्जन है, इसमें से मैं आपका ये करा चुकी हूँ, डेसिमल टू बाइनरी करा चुकी हूँ, ऑक्टल टू बाइनरी करा चुकी हूँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करा चुकी हूँ। अभी आपकी ये दो टॉपिक रहते हैं, ये दो टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे कन्वर्जन आज बताऊंगी तो होप सो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे और आप बोरियत महसूस करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लेक्चर में आप बोर हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक एक स्टेप वाइज आप समझे और इजीली पूरी वीडियो मेरी एंड तक देखें, ताकि आप उसमें कोई रिस्पॉन्स दे सकें या फिर आपकी कोई क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकें, मैं आपके डाउट्स क्विकली सॉल्व करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय।